रोशनी की स्कीम एक बड़ा ऑर्डर आया था दैन चीफ सेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गुलाम नबी आज़ाद साहब द कैबिनेट अप्रूव्ड इट और उन्होंने डायरेक्शन दी रोशनी के तहत लोग फार्म भरें और उनको जमीने अलाट की जाए वो दैट वॉज अ गवर्नमेंट स्कीम और टूडेज गवर्नमेंट हैज डेयर दैट स्कीम इज ना लैंड वाइड तो फिर हाउ कम इसके लिए कोई पटवारी जिम्मेदार है इट वॉज अ कैबिनेट डिसीजन ऑफ़ दैट वेरी गवर्नमेंट नाउ हियर इज अ डिसीजन ऑफ दिस वेरी गवर्नमेंट तो इसमें पटवारी पर गाज गिरने वाली बात नहीं है इट्स गवर्नमेंट डिसीजन गिरती है मगर गिरती है जब कहीं भी इविक्शन भी हो कोई भी मामला हो गाज पटवारी पर गिरती है किसी पटवारी ने आज तक काचा राय का कोई बया नहीं दिया है बया दिया है मिल्कियत का अगर कहीं खुर्दबुर्द हुआ है बाहर से किसी ने काचराई पर इंक्रोचमेंट की है आप हटाने जा रहा है कौन हटाने जा रहा है अगर पटवारी ने कोई गलत किया होता तो पटवारी हटाने नहीं जाता एंड वी हैव वेलकम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट रही बात कुछ गरीब सतह पर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ कंसिडर करने की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट नीड्स टू फ्रेम अ पॉलिसी विद रिगार्ड टू स्टेट लैंड इन ऑक्युपेंट्स ऑन काचरई दैट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन सेक्ट्री रेवेन्यू जिन्होंने नया नया चार्ज संभाला है उनके इस्तद पर हमने तीन दिन इसमें इजाफा किया था जो आज एंड हो रहा है तीन दिन तेईस को अब कमिश्नर सेकटरी चाहते हैं कि हमको वक्त दिया जाए हल करने क्योंकि वो नए आए हैं चेयर जी, पर जी, तो हमने उनको ब्रीफ किया है बीस तारीख को पूरा तो अब हम उनको एक हफ्ता हम दे रहे हैं अट्ठाईस फरवरी तक गवर्नमेंट हमारे मामला हल करेगा इनकेस गवर्नमेंट हमारे मामला अट्ठाईस फरवरी तक हल नहीं करते हैं तो वी विल बी फोर्स टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप क्यों अब टोकन स्ट्राइक नहीं हुआ सिंपल प्रोटेस्ट नहीं हुआ के आवाम को भुगतना होगा और जिम्मेदार हम नहीं है सर पटवारी एसोसिएशन के द्वारा आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बातचीत करेंगे पटवारी एसोसिएशन के मेम्बरान हमारे साथ मौजूद हैं क्या कारण थे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सर सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे मैं अब्दुल मजीद प्रेसिडेंट आल जैन की पटवार एसोसिएशन जी आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था क्या कारण था हमारी एक लॉन्ग पेंडिंग हिस्ट्री है चार्टर ऑफ डिमांड्स की करीब दस साल से हम हुकूमत को जूझ रहे हैं डिमांड्स चार्टर देकर मेमोरेंडम देकर मीटिंग करके मिलकर धरना देकर प्रोटेस्ट करके पीसफुली गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक एग्रेट भी किया था आपको पता होगा लास्ट ईयर मार्च में नौ तारीख को नौ मार्च दो बाईस को एक एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के साथ इन राइटिंग में गवर्नमेंट ने हमें लिखे दे दिया कि विद इन ए पीरियड ऑफ वन मंथ आपके तमाम मामला जो जनवन हैं हम हल कर देंगे मगर बावजूद एक साल गुजरने के आपके एक नया मार्च आ रहा है तो हमने हुकूमत को जगाने के लिए याद दिया है दिलाना चाहा आज कि आपने जो बार बार हमें टाल मटोल से काम लिया है अब यह टाल मटोल से काम चलने वाला नहीं है वक्त आया है कि आप एक महीने के वादे को एक साल के बाद ही सही पूरा कर दे। तो देंगे क्या है आपके हमारी लॉन्ग डिमांड इशूज हैं बेसिक तीन इशू हैं जिन पर गवर्नमेंट के साथ इस वक्त हमारा टेकअप है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्रीज ऑफ ग्रेड पे अप ग्रेजुएट पटवारी फ्राम टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टू टू थाउजेंड एट हंड्रेड इट वॉज द पटवारीर रिक्रूटेड बाई द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन द पे ग्रेड ऑफ टू थाउजेंड एट हंड्रेड बट द ऑर्डर वॉज रिवर्टेड बैक बाई अजेंडम ऑर्डर तो सिंस दैन टू थाउजेंड फोर्टीन वी हैव बीन नॉक इंग द डोर्स ऑफ द जस्टिस जो हमको आज तक नहीं मिला है दूसरी हमारी डिमांड है बेन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तजद हम चाहते हैं कि महकमे में टैलेंटेड लोग हैं उनको नायब तजदार की तरक् से नवाजा जाए जो क्वालिफाइड हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस एग्जाम का एग्जामिनेशन पास किया है पटवारी से प्रमोशन होकर गिरदावर बने हैं गिरदावर की दो साल सर्विस होती है मिनिमम पट नायब तस्जदार बनने के लिए जिन्होंने ने ने दो साल नहीं दो के बजाय पाँच भी नहीं दस दस साल ऐस गिरदावर दिए हैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग और कहाँ मिलेंगे जिनको नायब तजदार बाज़ार से लाने के बैकडोर से लाने के बजाय और आप ये देख रहे हैं रिक्रूटमेंट का हाल क्या है आजकल टैलेंटेड लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए एक्स चक्कर पर भी नुकसान नहीं पड़ेगा और आ, हम लोगों को भी प्रमोशन का चांस मिलेगा हमने भी खाब देखे वो खाब पूरे हो जाए तो अगली हमारी डिमांड है जो एक्चुअली पटवारी की डिमांड नहीं है एक्चुअली देट इज़ डिमांड ऑफ द पब्लिक हर कोई वावे करता है कि पटवारी नहीं मिलता इवन ये बाबू लोग भी जो बैठे हैं दे टू कंप्लेन दैट पटवारी इज राउंड द कलाक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते रहते हैं जिनको पटवारी अमलाने में रहता है 24 घंटे कम पड़ते हैं एक पटवारी को दूसरे महकमे के लोग दस से चार तक के पाबंद है हमारा पटवारी दिन भर काम करता है रात भर काम करता है इवन बस्ता घर भी ले जाता है बेचारा और रात के दस बजे भी स्टेटमेंट मांगे जाते हैं तो ऐसा काम कर रहा है तो फिर भी इसको नालान है लोग जिसने अपनी फैमिली को कुर्बान किया है अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया है कोई अवकातकार इसके पास है नहीं हता ही कि बच्चा बीमार हो जाए या बीवी बीमार हो जाए कोई रिश्तेदार साथ में देना पड़ता है उसको देखने के लिए इतनी फर्सत नहीं है पटवारी को क्या ये इंसान नहीं है हुकूमत को चाहिए कि इसका बोझ हल्का करे जब इसका बोझ हल्का होगा अवाम को राहत होगी तो हमने गवर्नमेंट को उसका सुलझाव दिया है वो सुलझाव क्या है कि जो पटवार हल्का है इसकी जो हदूदबंदी है जो जरिस्टिक्शन है दैट बेक्स बैक टू महाराजा 1930 से कोई डीलिमिटेशन नहीं हुए पटवार हल्का की एक सा एक सौ साल से कोई डीलिमिटेशन नहीं हुई है तो वही पटवार हल्का महाराजा के वक्त में उस हल्के में एक हज़ार लोग रहते थे आज के दौर में 2023 में वहाँ पचास हज़ार लोग एक पचास हज़ार के लिए एक पटवारी तैनात रखो कहाँ इंसाफ कर सकेगा अब चौबीस घंटे उसके लिए कम पड़ते हैं फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है न गवर्नमेंट को न पब्लिक को तो वावेला हर कोई करता है इसका हल यही है इसको डिलिमिट किया जाए रेवेन्यू दस हल्के में दस विलेज होते हैं दस की जगह एक हल्का रखा जाए एक विलेज के लिए तो हर रेवन्यू विलेज के लिए एक पटवारी हो तो इससे क्या होगा पटवारी को राहत होगी आवाम को राहत होगी तो ये मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ेगा आज... तो आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी एक चेतावनी दी है अगर आपकी उस इन डिमांड्स को नहीं माना जाता है, तो आगे का क्या रहेगा आज हमने गवर्नमेंट को एक्चुअली हमने 20 तारीख से ही हड़ताल पर जाने का प्रोग्राम था हमारा 20 फरवरी से फिर हमने कमिश्नर सेक्रेटरी रेवनीू जिन्होंने नया नया चार्ज संभाला है उनके इस पर हमने तीन दिन उस पर इजाफ़ा किया था जो आज एंड हो रहा है तीन दिन तेईस को अब कमिश्नर सेक्रटरी चाहते हैं कि हमको वक्त दिया जाए हल करने के क्योंकि वो नए आए हैं चेयर पर तो हमने उनको ब्रीफ किया है बीस तारीख को पूरा तो अब हम उनको एक हफ्ता हम दे रहे हैं अट्ठाईस फरवरी तक गवर्नमेंट हमारे मामला हल करेगा इन केस गवर्नमेंट हमारे मामला अट्ठाईस फरवरी तक हल नहीं करते हैं तो वी विल बी फोर्स टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप कि अब टोकन स्ट्राइक नहीं हुआ सिंपल प्रोटेस्ट नहीं हुआ इट विल बी एन डू आर डाई लाइक सिचुएशन इट विल इनडिफिनट स्ट्राइक और यहाँ के आवाम को भुगतना होगा और ज़िम्मेदार हम नहीं है जिम्मेदार सरकार है जिसने टाल मटोल से काम लिया है जिसने एक महीने का वादा देकर एक साल भी ले लिया फिर भी कोई डिमांड हल नहीं की तो दूनसलाइज विद द गवर्नमेंट सर तो अगर बात करें हम रेवन्यू महकमे में पटवारियों की एक अहम भूमिका रहती है और जब भी कोई मामला सामने आता है गाज भी पटवारियों पे ही गिरती है नायब तहसीलदार यहाँ गिरदावर पे गिरती है अभी भी जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी उसमें भी कुछ लोग मांग कर रहे थे कि जो उस समय के पटवारी रहे हैं तहसीलदार रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ऐसा क्यों होता है आई एग्री विद यू पटवारी इज द बेसिक वर्कर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ये पटवारी है जो हर कोई मामला ज़मीनी सतह का देखता है बल्कि जो दीगर मामले हैं नियर अबाउट थर्टी सिक्स डिपार्टमेंट्स जो सोलली डिपेंड करते हैं पटवारी के रिपोर्ट पर पटवारी के कागजात पर तभी कोई काम करते हैं तभी कोई स्कीम अमल में आती है रही बात गाज गिरने की वी आर ओपन फॉर एनी ऑफ इंक्वायरी हमारा उसमें कोई रोल नहीं है कोई चोर नहीं बैठा है ना हम किसी चोर को बर्दाश्त करेंगे तो वी आर क्लियर ऑल जे एंड के पटवार फॉर ट्रांसपेरेंसी ज़रूरत है उस वक्त क्या जो लोग ऑर्डर निकालते थे ऊपर से उन ऑर्डर्स को देखा जाए रोशनी की स्कीम एक बड़ा ऑर्डर आया था दैन चीफ से चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गुलाम नबी आज़ाद साहब द कैबिनेट इट और उन्होंने डायरेक्शन दी रोशनी के तहत लोग फार्म भरें और उनको ज़मीन अलाट की जाएँ वो डेट वॉज द गवर्नमेंट स्कीम टुडेज डिक्लेयर दैट स्कीम इज वाइड तो फिर हाउ कम इसके लिए कोई पटवारी जिम्मेदार है इट वॉज कैबिनेट डिसीजन ऑफ दैट वेरी गवर्नमेंट नाउ हियर इज डिसीजन ऑफ दिस वेरी गवर्नमेंट तो इसमें पटवारी पर गाज गिरने वाली बात नहीं है इट्स गवर्नमेंट डिसीजन है मगर गिरती है जब कभी भी इविक्शन हो कोई भी मामला हो गाज पटवारी पर गिरती है किसी पटवारी ने आज तक का चाराई का कोई बया नहीं दिया है बया दिया है मिल्कियत का अगर कहीं खुर्द बुरद हुआ है बाहर से किसी ने काचारही पर इंक्रोचमेंट की है आप हटाने जा रहे हैं कौन हटाने जा रहा है अगर पटवारी ने कोई गलत किया होता तो पटवारी हटाने नहीं जाता एंड वी हैव वेलकम्ड द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट रही बात कुछ गरीब सतह पर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ कंसिडर करने की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट नीड्स टू फ्रेम अ पॉलिसी विद रिगार्ड टू स्टेट लैंड इन ऑक्यूपेंट्स ऑन काचराई दैट अ गवर्नमेंट डिसीजन वो एक पटवारी का डिसीजन नहीं होता है बिल्कुल तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका हमारा मैसेज रहेगा गवर्नमेंट को कि जो 28 फरवरी का उनको हमने डेडलाइन दिया है वो 28 फरवरी तक अपा हमारी जो जेन डिमांड्स हैं उनको हल करी हमारी मुतालबा और हमें एक्सट्रीम स्टेप के लिए हल मजबूर न करें द एक्सट्रीम स्टेप लेने की सूरत में गाज यहाँ के पब्लिक पर गिरती है अभी आपने कही गाज गिरती पटवारी पर अल्टीमेटली ये गाज यहाँ के पब्लिक यहाँ के पब्लिक ने बहुत कुछ सहा तीस साल से हम सही रहे हैं कभी एक डजन या कभी दूसरा कभी एक पार्टी का डजन कभी दूसरे के पटवार एसोसिएशन इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज एपोलिटिकल एनी पार्टी दिच इज टोटली एपोलिटिकल तो जेन्यून डिमांड है गरीब गुरबात के लोग जो है उनको देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को उस वक्त कंसिडर करना चाहिए बेसिक जो पटवारी काम करने वाले लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए शुक्रिया हमारे बातचीत करें थैंक यूं थैंक यू पटवार एसोसिएशन की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और 28 फरवरी तक का समय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है अगर 28 फरवरी तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जितने भी पटवार एसोसिएशन के सदस्य हैं वो सारे स्ट्राइक पे जा सकते हैं आपकी इस सब पे क्या राय है अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा इसी तरह की मजदूर अपडेट्स के आप देखते रहे न्यूज सर इंडिया मैं फाजमा डैंग कैमरा मैन शाहनवाज के साथ